कान खोल के सुन लो, भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ बड़ा अन्याय किया। कांग्रेस पार्टी का राज था बैकवर्ड क्लासेस के जो एक ग्रुप है बीसी है, उसमें क्लास वन में नौकरी देने का प्रावधान किसी ने किया तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। और क्रीमी लेवर लागू की बीसी में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 लाख रुपए कैप कर दी और हरियाणा सरकार ने, बड़ी अच्छी सरकार है, 6 लाख रुपए कर दी, घटा दी 2 लाख। तो मैं पिछड़े वर्ग के साथियों से, बैकवर्ड क्लास के भाइयों से निवेदन करूंगा कि भाइयों, यह पार्टी अपनी है ही नहीं। किसाना की तो कमर उड़े तोड़गड़ी, 1.25 साल बिठाए रखे और फिर थूक के चाटना पड़ा सरकार ने, मानना पड़ा कि वह सरकार गलती पे थी। अगर सरकार गलती पे थी तो पहले ये फैसला ले लेते। हमारे बुजुर्ग, हमारे जवान दिल्ली में, हमारे साथियों को कितने समय तक देर में रहना पड़ा, कितने लोगों के ट्रैक्टर टूट गए, कितने लोगों के ट्रैक्टर खराब हो गए, लोग एक्सीडेंट में, माप होगी सर्दी में लोग मर गए, उसी वक्त वापिस ले लेते, जनता बच तो जाती। तो इसलिए मैं एक निवेदन करूंगा, चाहे वो दलित समाज का भाई है, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस का भाई है, चाहे वो किसान वर्ग से है, ये पार्टी आपकी नहीं। और मनोहर लाल जी तो इतने गजब के आदमी, अपने मुख्यमंत्री, वह तो किसी के जाफी पर देखो नहीं, वह तो ये कहेंगे हम कौन से तरह वोट मांगने गए थे। यही बात कुलदीप का है, परसों बयान दे दिया ना, बोला 7 बजे के बाद मेरे को टेलीफोन नहीं कर लेना, कमाल नहीं है। अब तुम सोच लो यार, सारी बात तुम जानो। और जेपी ये कह रहा है कि जयप्रकाश को ये तो लग गया जिताओगे, आधी रात टेलीफोन करना और दिक्कत होते तो कभी भी करना। अरे ये काम बड़ा अच्छा होगा, अपना कहावत है ना, देवी भला माने उन पर खीर खावा पर खीर उपराना है तुमने, तो वही काम ये, मैं बता के जाऊं कि कांग्रेस को वोट दे दियो, जेपी जीतेगा। मैं विधानसभा में जाकर के, आपने मेरी कार्य प्रणाली सबने देखी, मैं काम कराने में बड़ा सख्त, मैं काम कराने में बड़ा सख्त हूँ, मेहनत करता हूँ, साधारण परिवार से आया हूँ। मैं तो एमएलए बन जाऊंगा और 14 महीने एमएलए रहूंगा। 14 महीने में अगर मैं बहुत बढ़िया काम करके ना दिखाऊं, 24 में वोट मांगने आऊं तो मुझे एक वोट ना दे। मैं तो कोई इनकी डालतारी जान नहीं मांगता, मैं तो नुकू में 14 महीने मुझे दे दो, कांग्रेस पार्टी को दे दो, मैं ये करके दिखाऊंगा। और मेरा तो भाई सर्टिफिकेट ही दे दिया बीजेपी ने। आज मुझे पत्रकार कहने लगे कि जयप्रकाश जी धनखड़ की और आपकी कोई 60-गांठ है कि बीजेपी के साथ। मैं क्यों बोला, धनखड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे थे कि एमएलए हो तो जयप्रकाश जैसा हो, ये विपक्ष में था और हम मंत्री थे, जयप्रकाश हमसे काम करवाता था। जब उन्हीं की पार्टी का प्रधान को जयप्रकाश काम कराता था तो इसका तो कोई नहीं नाम लिया, वह कुलदीप भी मेरे पास कभी आता था।